अस्सलाम वालेकुम आई होप यू आर डूइंग गुड इट्स बीन अ वाई इज़ इट बहुत दिनों के बाद आज आ, किसी भी किस्म की वीडियो बनाने का मौका मिला है बहुत से दोस्तों के मैसेजेस भी आए कि सर आप तो ग़ायब हो गए हैं और किसी भी हवाले से कोई भी वीडियोस नहीं आ रही हैं तो इसकी वजह यह है कि समर टाइम चल रहा था और काफ़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला बट नाउ आई एम बैक टू द बिजनेस और अब रेगुलरली वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आपको बताता चलो मेरा नाम डॉक्टर बशीर सिद्दीकी है और मैं यूएस में मुकीम हूँ स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप्स कल्चर फूड के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ अगर आपका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में है तो सब्सक्राइब करें आई एम श्योर देर विल बी वैल्यूबल कॉन्टेंट्स फॉर यू आज की वीडियो जर्मनी में पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के हवाले से है पास्ट में डार्ड स्कॉलरशिप के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई आ, लोगों में बहुत से सवाल पूछे लोगों ने और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया उसमें बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि डार्ड स्कॉलरशिप क्या सिर्फ मास्टर्स के लिए है अगर हम पी स्टूडेंट हैं तो क्या हम डार्ड स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं या क्या ये पी स्टडीज के लिए भी दी जाती है तो उसका जवाब है जी हाँ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पी स्टूडेंट हैं तो किस तरह DAAD स्कॉलरशिप से फायदा उठा सकते हैं किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी आके पीएचडी स्टडीज जो है वो कर सकते हैं सो लेट्स गेट राइट इंटर तो ये स्कॉलरशिप का पेज है आ, main page जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रिसर्च uh, grants, वन ईयर grants फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस प्रोग्राम ऑफर्स यू द अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट रिसर्च प्राइमेली एज पार्ट ऑफ योर डॉक्टरल प्रोजेक्ट्स इन जर्मनी तो अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में श्रीलंका में कहीं भी पी कर रहे हैं तो इस ग्रांड से फ़ायदा उठा सकते हैं और जर्मनी में आके एक साल तक जो आपकी रिसर्च है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं हु कैन अप्लाई Uh, if you are already taking a doctoral degree, then you can apply or you are eligible. Hai. What can be funded? Uh, the program provides uh, funding for a research project or uh, continuing academic training at a state or state-recognized institution of higher education in Germany or a non-university research institute which is being carried out in agreement with a supervisor in Germany. तो आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकते हैं अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं या अगर कोई रिसर्च इदारा है जिसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ भी रिसर्च करना पॉसिबल है अगर आपका सुपरवाइज़र जो है वो राजी हो जाए ड्यूरेशन ऑफ द फंडिंग फंडिंग इज़ प्रोवाइडेड आप जर्मनी में रिसर्च कर सकते हैं वैल्यू क्या है इसकी डिपेंडिंग ऑन द अकेडमिक लेवल मंथली पेमेंट्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड यॉक्टर कैंडिडेट तो मेरा फोकस सारा फोकस आज की वीडियो में डॉक्टर uh, स्टडीज पे है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज पे है तो अगर आप पी के लिए आते हैं तो आपको 1200 यूरोस पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिलेगा इसके अलावा पेमेंट टूवर्ड्स हेल्थ एक्सीडेंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर यानी आ, हेल्थ आ, जो इंश्योरेंस है इसके अलावा एक्सीडेंट या पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो भी कवर है इस स्कॉलरशिप में आपको ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा अनलेस दीज एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय द होम कंट्री अगर आप अपने मुल्क से पाकिस्तान से इंडिया से किसी भी किस्म की फंडिंग नहीं ले रहे तो आपको ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा किस तरह का है इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं पाकिस्तान और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनवर्ड एंड रिटर्न ट्रेवल अलाउंस फॉर स्टेज ऑफ अप टू ट्वेल्व मंथ्स अगर बारह Uh, महीने की uh, आपकी स्कॉलरशिप है तो आपको uh, 1200 uh, मिलेगा uh, पर मंथ और ट्रेवल की मद में ट्रेवल अलाउंस की मद में आपको 925 सौ पच्चीस मिलेंगे विच इज़ गुड अमाउंट मोर देन इनफ टू कवर योर फ्लाइट टिकट्स फ्राम पाकिस्तान टू जर्मनी वापस आते हैं इसके अलावा वन ऑफ रिसर्च अलाउंस है

टू इनेबल यू टू लर्न जर्मन इन प्रीप्रेशन फॉर योर स्टे इन जर्मनी डैड ऑफर द फॉलोइंग सर्विसज जर्मनी में ये बहुत कॉमन है कि जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो जर्मनी आने से पहले ही आप जो है वह जर्मन सीखना शुरू हो जाते हैं और अपनी होम कंट्री में ऑलरेडी कुछ लेवल जो है वह आपको करना पड़ता है तो इस सूरत में वो आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी जो भी फ़ी है वह भी आपको दी जाएगी अच्छा जी अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई करेंगे तो भाई सिलेक्शन आपकी किस बेस पे होगी एस यू कैन सी एन इंडिपेंडेंटिंग्लिकेशन और वो किन चीजों uh, को इवेलट uh, करेंगे क्वालिफिकेशन अकेडमिक अचीवमेंट्स ग्रेड पॉइंट एवरेज जी डेवलपमेंट ए ऑफ ग्रेड्स अकेडमिक प्रोग्रेस नॉलेज ऑफ़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग लैंग्वेज जो कि इंग्लिश uh, होगा इन मोस्ट केसेस इफ़ एप्लीकेबल इस्कॉलरली अचीवमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल पब्लिकेशन लैक्चर कॉन्फ्रेंस पेपर इस तरह मैंने बताया जी पी एज़ नॉट द ओनली थिंग जिसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं रिप्यूटेड uh, कॉन्फ्रेंस में जर्नल पेपर में अगर आपने पेपर पब्लिश किया है तो डेट मैटर्स अ लाट और उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं अपने चांसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप स्कॉलरशिप के लिए इस हवाले से बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव वीडियो मैंने बनाई है लिंक ऊपर आ रहा है आप चेक कर सकते हैं सेकेंडली दे विल इवाल क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट यानी आपका जो रिसर्च डोमेन है वो क्या है टॉपिक किस तरह का है कितना नया टॉपिक है पुराना टॉपिक है आप क्या करने वाले हैं आपकी रिसर्च में आ, कितना इनोवेशन है किस इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च करेंगे और साथ साथ आपका सुपरवाइज़र कौन है उसकी खुद की रेपुटेशन कैसी है ये सारी चीज़ें जो है वो आ, देखेंगे वो इवेलवेट करेंगे उसकी बेस पे कि आपको फंडिंग देनी है या नहीं फिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी प्लान एंड शेड्यूल इन कॉरपोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द ओवरऑल डॉक्टरेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट एंड टाइम इफ़ रेलिवेंट ठीक है जी उसके बाद तीसरा है पोडेंशियल एप्लीकेंट करियर प्रोस्पेक्ट्स सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड स्टे इन जर्मनी फॉर फर्दर एकेडमिक प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिवेलपमेंट यानी कि करियर में आगे आप क्या करना चाहते हैं आपका जो रिसर्च uh, प्रोजेक्ट है कितनी अहमियत का हामिल है आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आपकी किस तरह की है तो इन चीज़ों पे भी वो uh, काफ़ी फोकस करेंगे या इन चीज़ों को भी वो देखेंगे मोटिवेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ मोटिवेशन ठीक है जी तो uh, क्या रीजंस हैं आप क्यों जर्मनी आना चाहते हैं जर्मनी ही क्यों चूज करना चाहते हैं तो इस तरह की जो रैशनल है वो आपको देना पड़ेगा और मोटिवेशन शो करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन uh, अगर आपकी अच्छी है मोटिवेशन लेटर आपने अच्छा लिखा है तो समझे 50% परसेंट काम आपका हो गया नॉन स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज़ नॉन स्टडी रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स सिविक एंगेजमेंट देखें पढ़ाई से हट के भी आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है आप किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में uh, शामिल रहे हैं हिस्सा लेते रहे उसको भी एवेल करते हैं सिविक इंगेजमेंट कैसा है सोसाइटी में आप किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं इसके अलावा जो है वो स्पोर्ट्स अगर है या किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ uh, जो पढ़ाई से हट के है उसमें आप कैसे हैं तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा देखेंगे तो इफ़ यू हैव डन अदर देन स्टडीज रिमार्केबल थिंग्स तो उसको अपनी सी वी में ज़रूर शामिल करें ऊपर आते हैं और एप्लीकेशन uh, रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर स्टेटस एंड योर कंट्री टू इनेबल यू टू सबमिट एन एप्लीकेशन तो यहाँ पे पाकिस्तान कर लेते हैं सेलेक्ट और uh, जो फील्ड है वो है डॉक्टरल कैंडिडेट पी एच डी शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स वॉट रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट एज a रूल applicants शुड नॉट हैव graduated एनी लॉन्गर than six years. The तो जो आपकी लास्ट डिग्री है वो छह साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए इफ यू हैलरेडी स्टार्टेडरेट इल्सो अपलाइज एट द डॉक्टरेट शुड नॉट बी लॉन्गर दैन थ्री ईयरस अगो फॉर एप्लीकेट फ्रॉम द फील्ड ऑफ ह्यूमन मेडिसन वेटनरी मेडिसिन अगर आपका ताल्लुक इन फील्ड से है तो यहाँ पे जाके मजीद इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इफ यू हैव बीन रेजिडेंट इन जर्मनी फॉर लॉन्गर देन 15 मंथ्स एट द एप्लीकेशन मंथसाइन अगर आप जर्मनी में ऑलरेडी हैं और 15 महीने से ज्यादा नहीं हुए आपको जर्मनी में रहते हुए तो भी आप एलिजिबल हैं लेकिन अगर आप जर्मनी में या ई में नहीं हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश कहीं भी दुनिया में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त है सो यू स्टिल हैव टाइम टू अप्लाई फॉर द कमिंग इन लेकिन अगर फॉर वट रीज़न आप नहीं अप्लाई कर पाते तो डोंट वरी नेक्स्ट ईयर जो है वो दोबारा ये स्कॉलरशिप आएगी तो आप नेक्स्ट ईयर uh, को भी टारगेट कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स प्रूफ ऑफ क्रेडिट्स सर्टिफिकेशंस एंड स्कैंड इन नॉन सर्टिफाइड फॉर्म एंड अपलोडेड टू द डार्ट पोर्टल सारी चीज़ें आपको डार्ट पोर्टल पे जो है वो अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड टू द डार्ट पोर्टल क्या है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है जी फुल करिकुलम वि आपको चाहिए सी वी चाहिए आपको लिस्ट ऑफ पब्लिश पब्लिकेशन अगर पब्लिकेशन उनकी लिस्ट आपको देनी है बाय द वे अगर आप uh, एक प्रोफेशनल सीवी लिखने के बारे में जानना चाहते हैं तो सवाले से भी बहुत कॉम्प्रहेंसिव वीडियो मैंने बनाई है लिंक ऊपर आ रहा है आप उसे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनल रीजंस फॉर योर प्लान प्रोजेक्ट इन जर्मनी यानी जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो आपको प्रोवाइड करना है एक सौ दो पेज का और इसमें आपने अपने बारे में बताना है और वाई यू वॉन्ट टू परस्यू हायर एजुकेशन इन जर्मनी इसके बारे में बताना है एसट्रा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के हवाले से भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव uh, वीडियो मैंने बनाई है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आ रहा है आप वो भी चेक कर सकते हैं अ अ प्रपोजल प्रिपेयर्ड एंड बाय एज वेल ऑफ प्रीवियस रिसर्च वर्क मैक्सिमम पेजेस इन टोटल तो आपने एक रिसर्च प्लान जो है रिसर्च प्रपोजल भी बना के सबमिट करना है और उसके लिए आपको जर्मनी में एक सुपरवाइजर भी ढूंढना है जैसा पीएचडी uh, में होता है कि आपको रिसर्च uh, सुपरवाइजर की जरूरत होती है सो यू नीड टू लुक फॉर समवन इन जर्मनी प्रोफेसर इन जर्मनी हु वुड बी विलिंग टू गाइड यू हु वुड बी विलिंग टू सुपरवाइज यू क्योंकि सुपरवाइजर ढूंढे बगैर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको पहले सुपरवाइजर uh, ढूंढना है उसके साथ मिलके रिसर्च प्लान बनाना है और फिर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको डार्ट जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे उस रिसर्च प्लान पे काम करने के लिए आपको रिसर्च uh, प्लान का जो शेड्यूल है uh, कौन सा फेज़ कैसे कंप्लीट होगा वो भी प्रोवाइड करना है इसके अलावा कंफर्मेशन फ्रॉम द एकेडमिक होस्ट इन जर्मनी द कंफर्मेशन मस्ट रेफर टू योर प्रोजेक्ट एंड गारंटी डट द होस्ट इंस्टीट्यूट इन जर्मनी विल प्रोवाइड यू वर्क प्लेस यानी कि जब आप सुपरवाइजर के साथ एग्री करेंगे तो आप उसे बताएंगे कि यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर डैड स्कॉलरशिप और आपको फंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है आई जस्ट नीड अ सुपरवाइज़र और अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि uh, आपका सुपरवाइज़र जर्मनी में uh, आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करने के लिए राजी हो जाता है देन ही वुड प्रोवाइड यू दिस लेटर डेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द डैट पोर्टल ठीक है जी यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग फाइनल ग्रेड्स आपकी जो फाइनल डिग्री है वह होनी चाहिए अदर डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट योर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप और सोशल कमिटमेंट तो अगर आप जॉब कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काम आएगा अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है इंटर्नशिप्स हैं वो भी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉग uh, बनाने के लिए काम आएगा वैलड Identification of document, uh, passport, as you know, चाहिए आपको प्रूफ ऑफ लैंग्वेज ठीक है जी नॉट ओल्डर तो क्या है उनमें टोफल है आई बी टी मिनिमम सेवेंटी नाइन चाहिए आइल्स है minimum तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है बेसिकली वो जमा करवाना पड़ेगा उसके अलावा क्या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आर नो इफ दिस अप्लाईज यू जर्मन और इंग्लिश ट्रांसलेन ऑफ डॉक्यूमेंटमिटेड इन द नेशनल लैंग्वेज ठीक है जी कोशिश करें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अब इंग्लिश में होने चाहिए ऑल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स ऑन एनुअल बी सबमिटेड बाय पोस्ट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय पोस्ट सबमिट करने हैं और वो कहाँ सबमिट uh, होगा uh, उसका जो एड्रेस uh, है वो भी यहाँ पे मैंशन uh, है तो आपने एप्लीकेशन uh, जो है वो ऑनलाइन भी भरनी है और उसके साथ साथ आपने एडमिशन पैकेट को आ, पोस्ट भी करना है इसके अलावा इस पेज पे और भी डिटेल्स हैं आ, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीदा चीदा, चीदा चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ बट प्लीज़ टेक योर टाइम गो थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन विच वुड बी रियली हेल्पफुल उसके अलावा अगर हम कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टिंग में आते हैं तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर डार्ड स्कॉलरशिप सेंटर इस्लामाबाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है वेबसाइट भी है जिस पर जाके आप मसीद जान सकते हैं कि भाई डार्ड स्कॉलरशिप जो है वो पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के लिए क्या है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है सबमिटिंग एप्लीकेशन पे आप आते हैं तो यहाँ पे उस से सारी इन्फॉमेसन है कि आपको डार्ट पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा उसके बाद आपने डार्ट पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है देन आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय पोस्ट भी सेंड करना है इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे आएं और यहाँ पे अगर uh, आप यहाँ पे जाते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन पे तो इनका ये पूरा फैक्ट uh, सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन uh, के हवाले से कोशचन्स हैं एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के हवाले से प्रोजेक्ट uh, प्लानिंग के हवाले से आई नीड अ सुपरवाइज़र फॉर माई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इन जरमी हो कैन बी माई होस्ट उसका जवाब यहाँ पे मौजूद है I have found a supervisor for my project. What documents do I need for him her for the application? वो यहाँ पे मौजूद है Application किस तरह prepare करना है How do I apply? Uh, do I have to apply in German? What language certificates do I need? तो बहुत detail में ये बताया है इसे आराम से go through करें अगर आपने इसे go through कर लिया तो I don't think you will have any confusion when it comes to applying for this scholarship. All right, so this was all about one-year research grant uh, to do your PhD uh, in Germany. Uh, ये पूरी चार साल की या तीन साल की या पूरी PhD करने की scholarship नहीं है, लेकिन बहुत सबौलों opportunity है उन लोगों के लिए जो already Pakistan में PhD कर रहे हैं और uh, as a research exchange बाहर जाना चाहते हैं, Europe uh, को experience करना चाहते हैं। Germany is very innovative, uh, located in the heart of Europe, so uh, really good country, really advanced country. तो आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगा अप्लाई uh, करें 31 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है तो आपके पास अभी भी टाइम है डॉक्यूमेंट्स uh, प्रिपेयर करने के लिए कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखें मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं आई वुड डू माई बेस्ट टू एड्रेस एनी क्यूरीज अगर आपको वीडियो पसंद आई आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें सब्सक्राइब uh, करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं जिन्हें अपर्चुनिटी के बारे में नहीं पता आई वुड रियली अप्रिशिएट यू स्प्रेडिंग द वर्ल्ड स्प्रेडिंग माई चैनल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स में अपना ख्याल रखें हैव ग्रेट डे